नमस्कार, फंडू मनी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्यों आपको प्रोविडेंट फंड में निवेश या प्रोविडेंट फंड में बचत के अलावा भी रिटायरमेंट के लिए अलग से निवेश या बचत करने की ज़रूरत है। जैसे कि सब नौकरीशुदा व्यक्ति जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के लिए बचत के लिए एक साधन है। आपके आय का आय में से वो कट के निकल जाता है, डिडक्शन हो जाता है और आपके सैलरी अकाउंट में पैसे आने से पहले प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन सैलरी से निकल जाता है और वो निवेश होता है और रिटायरमेंट के वक़्त आपको वो पैसे मिलते हैं प्रोविडेंट फंड के। हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में बात कर रहे हैं और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के अलावा भी आपको एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस से एक मासिक पेंशन का भी प्रावधान व्यवस्था की गई है। तो सवाल ये उठता है कि जब प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के लिए अलग से पैसे, अलग से निवेश हो रहा है, वहाँ पे एकत्र धन एकत्रित हो रहा है, तो फिर अलग से निवेश करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम कुछ आंकड़े से, एक एग्जांपल, एक उदाहरण से आपको समझाएंगे कि अगर आप प्रोविडेंट फंड में ही पर ही निर्भर रहते हैं तो आप बहुत कम पैसे जुटा पाएंगे रिटायरमेंट के लिए और पैसे आपके पहले ही ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आपको दिक्कत आएगी रिटायरमेंट में। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे प्रोविडेंट फंड से जुड़े हुए पिछली चर्चाओं का भी फ़ायदा उठाएं, इनके लिंक्स हम दे रहे हैं। हम उदाहरण आंकड़ों के साथ उदाहरण देंगे अगले सेक्शन में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इससे पहले हम ज़रूर आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे साथ सारे लीडिंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स में। तो हम हाजिर होते हैं उदाहरण को लेके। हम आपको बताएंगे कि क्यों आपको प्रोविडेंट फंड के अलावा भी निवेश करने की ज़रूरत है रिटायरमेंट के लिए। जो एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि यहाँ रिटायरमेंट के लिए निवेश करें वहाँ करें, तो ये क्यों अनिवार्य है, क्यों ज़रूरी है और क्यों आप सिर्फ प्रोविडेंट फंड पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम थोड़ी देर में ही लौट के आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। फंडो मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों आपको अलग से रिटायरमेंट के लिए निवेश करने की ज़रूरत है प्रोविडेंट फंड में निवेश के बावजूद। प्रोविडेंट फंड में निवेश हो रहा है, बचत हो रही है और ये वो आपको रिटायरमेंट के वक्त वो पैसे आपको मिलते हैं, उसके साथ मिलते हैं आपको एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में जो मासिक जो पेंशन, एक छोटा सा पेंशन मिलता है, उसका भी प्रावधान है, उसकी भी व्यवस्था है। पर क्यों ये आपके लिए बहुत कम पड़ने वाले हैं अगर आप उसी के ऊपर निर्भर करते हैं, उसी के बारे में उदाहरण देंगे कुछ आंकड़ों के साथ। तो सुनते रहिए क्या क्या मान के चल रहे हैं। तो कुछ इसको उदाहरण देने के लिए कुछ चीज़ें आपको मान के चलनी पड़ेगी। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि आपकी उम्र 23 साल की है, ठीक है, और आप अपनी पहली नौकरी में हैं, बिल्कुल शुरुआती दौर में, ठीक है। इसका मतलब अगर आप 58 की उम्र में रिटायर करना चाहते हैं, 58 years, तो अभी आप 23 या 23 साल के हैं, तो आपके पास 35 साल का वक्त है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा वक्त होता है पैसे इकट्ठे करने के लिए रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। अब हम और मान के चलते हैं कि आपकी बेसिक जो आय है वो जिसके आधार पर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होता है वो 20,000 रुपये है और आपको हर साल इस तरीके से पे हाइक मिलता है, आपकी सैलरी या में इंक्रीमेंट होता है कि ये बेसिक में आपको हर साल 10% की बढ़ोतरी हो रही है। तो आपका अच्छा खासा आय बढ़ रहा है और हर साल बढ़ रहा है 35 साल तक। तो 35 साल तक हम मान के चल रहे हैं कि हर साल आपको 10% इतना पैसा आपके इंक्रीमेंट में बढ़ रहा है कि बेसिक में ही आपके 10% वृद्धि हो रही है। तो ये काफ़ी उदार जेनरस अजम्पशन है, ये रियल लाइफ में होना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम मान के चल रहे हैं ताकि आपको एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल में पता चले कि कितना कम आपके पैसे इकट्ठे होने वाले हैं अगर आप प्रोविडेंट फंड पर ही निर्भर करते हैं। चल, और दूसरी अजम्पशन क्या है, हम ये मान के चलेंगे हर साल आपको
8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा प्रोविडेंट फंड के पैसों के ऊपर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 2020-21 में 8.1% का इंटरेस्ट अनाउंस हुआ है। सन 2009-10 के बाद प्रोविडेंट फंड में की का जो इंटरेस्ट रेट है वो 9-8% के बीच में ही रहा है और हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही रहेगा। वैसे तो कई लोगों का मानना है कि इंटरेस्ट रेट्स ओवरऑल फ्यूचर में कम होने वाले हैं, हम मान के चल रहे हैं कि नहीं 8% ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब 58 साल के बाद आप 58 साल कंप्लीट होने के बाद आप रिटायर करेंगे तो उस वक्त जो आपके रिटायरमेंट में एकत्रित किए हुए पैसे हैं वो 7% रिटर्न कमाएंगे, 7% इंटरेस्ट कमाएंगे। और ये आमतौर से पाया गया है कि जिस रेट पे आप रिटायरमेंट के पैसे इकट्ठे करते हैं वो बढ़ता है, उससे थोड़ा सा कम रहता है रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आप मासिक आय के लिए कम रिटर्न के लिए भी आप सेटल कर जाएंगे, पर आपको वो लिक्विडिटी, वो रेगुलर इनकम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा रिटर्न में कमी का हिसाब किताब रहता है। तो 7% आप हम मान के चल रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न है। और क्या हम मान के चल रहे हैं, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को हम 5% मान के चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हाल के जो इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति है, उससे तो ये कहीं कहीं कम है। और अगर आप पिछले 10 साल के इन्फ्लेशन रेट या मुद्रास्फीति को देखें तो तब आप पाएंगे कि ये 7% से ऊपर, तो ये हम काफ़ी कम ले रहे हैं मुद्रास्फीति। और हम आपको बताएंगे कि क्यों ये सब इतने जेनरस अजम्पशंस ले रहे हैं। तो आखिरी जो अजम्पशन वो ये है कि हम मान के चल रहे हैं कि आपका महीने का मासिक खर्चा जो है वो 40,000 रुपये है। तो 40,000 रुपये आप खर्चा करें, इसका मतलब आप एक बड़े शहर में ही रह रहे हैं, क्योंकि आपका इतना खर्चा हो रहा है रेंट वगैरह किराए वगैरह पे लग रहा है, तो 40,000 रुपये है। अब ये अगर ऐसा होता है तो 58 की उम्र में और उसके बाद क्या होने वाला है। तो 58 की उम्र में आपके जो 40,000 मासिक आय खर्चा मासिक खर्चा हो रहा था वो बन जाएगा 2.2 लाख रुपए, मतलब 2,20,000 रुपए हर महीने आप खर्चा करेंगे। अब 23 के उम्र में बैठ के आप 58 के उम्र में का जो खर्चा है वो उसको एक्सट्रापोलेट करना, उसका निकालना बहुत सही तो नहीं है, पर इस ऐसे आंकड़े या ऐसे उदाहरण देने के लिए हमें कुछ चीज़ें तो मान के चलनी पड़ेंगी, नहीं तो बिल्कुल ही आपको पिक्चर मिलने में दिक्कत आएगी। तो 2,20,000 रुपये, जो 40,000 है वो 2,20,000 रुपये आपके 58 की उम्र में हो गया। अगर यही हाल रहा तो फिर कितने पैसे आपके पास होने चाहिए ताकि आप रिटायरमेंट ठीक से काट सके। अगर मान लीजिए आप अमान के चलते कि आपकी परम आयु जो है वो 80 साल की है, मतलब आपका रिटायर्ड लाइफ 58 में रिटायर करते हैं तो 22 साल का रिटायर्ड लाइफ रहा, तो 22 साल रिटायरमेंट में रहे, तो उन 22 साल के लिए अगर हम मान के चल रहे हैं तो आपके पास 4.72 करोड़ रुपये होने चाहिए, 4,72 लाख रुपीस, 4,72 लाख रुपए आपके पास इकट्ठे होने चाहिए उस वक्त। अगर 80 साल की उम्र तक आप सोचते हैं कि आप रहेंगे तो ये आपके पास, अगर प्रोविडेंट फंड में बने रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, विड्रॉ नहीं करते हैं पैसे, जो कि एक और चीज़ हम मान के चल रहे हैं, तो फिर आपके पैसे कितने इकट्ठे होते हैं। तो हमने जो अजम्पशंस किए हैं उस हिसाब से आपके 3.03 करोड़ रुपए, 3 लाख रुपीस ये इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब 1.69 करोड़, मतलब 1,69,00,000 रुपए जो हैं वो कम पड़ रहे हैं, मतलब जितना होना चाहिए था उसका एक तिहाई कम हो रहा है। तो ये हाल हो जाता है अगर आप सिर्फ प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं, इतना पैसा कम हो जाता है, इतना पैसा कम आप एकत्रित कर पाते हैं। इसलिए आपको अलग से निवेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पैसे एक्सेस चाहिए रिटायर्ड लाइफ में, पैसे इस्तेमाल करने के बाद आप कुछ पैसे छोड़ के भी तो जाना चाहेंगे, तो इसलिए वो चीज़ नहीं हो पाती है। पर इससे भी रिजल्ट बुरा निकल सकता है, क्योंकि हमने जो अजम्पशंस किए थे, हम जो मान के चल रहे थे, वो थे ही इतने उदार। सबसे पहली बात है कि
पैसे विड्रॉल प्रीमैच्योर विड्रॉल होता रहता है, घर घर की खरीदारी में, मेडिकल इमरजेंसी में, शादियों में, बेरोजगारी के वक्त लोग प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हैं। अगर पैसा निकालेंगे तो आप धन जो एकत्रित होगी रिटायरमेंट के लिए वो कम होगी। दूसरी बात है कि हम मान के चल रहे हैं कि 5% मुद्रास्फीति रहेगी, जो कि जैसे कि हमने कहा कि ये हिस्ट्री जो इतिहास का जो अगर निकट इतिहास में रीसेंट पास्ट में आपको वो सपोर्ट नहीं करता, वो 7% रहा है। तो अगर मुद्रास्फीति बड़ी बढ़ गई तो फिर आप जो इकट्ठा करेंगे वो भी कम होगा। अगली बात जो है वो है, हमने 10% आपके बेसिक में बढ़ोतरी के बारे में बात किया साल दर साल। ये होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कई साल ऐसे भी आ सकते हैं मंदी की वजह से आपको इतना अच्छा इंक्रीमेंट ना मिले। आप सोचिए 35 साल आपको साल दर साल 10% वृद्धि काफ़ी मुश्किल नज़र आती है। आखिर की जो बात है वो ये है कि जैसे ही आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 20,833 रुपये या 2,50,000 रुपये सालाना से क्रॉस कर जाएगा बेसिक, उसके ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके ऊपर जो आपका योगदान है उसके ऊपर जो ब्याज कमाया जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो उससे पहले टैक्स फ्री होता है, जैसे कि हम जानते हैं सेक्शन 80C के तहत आपको छूट मिलती है, इंटरेस्ट में भी छूट, मैच्योरिटी अमाउंट में भी छूट, पर कंट्रीब्यूशन जैसे ही 2,50,000 रुपये क्रॉस करता है उसका एक्सेस जो पार्ट है जो उसका उस सीमा के ऊपर का पार्ट है वहाँ पे जो ब्याज कमाया जाएगा वो टैक्सेबल है। अगर उस पर टैक्स लगेगा आपका एक्यूमुलेशन आप जो जोड़ रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। तो ये इससे क्लियरली ये साबित हो जाता है कि आपको अलग से रिटायरमेंट के लिए निवेश करने की ज़रूरत है। तो फिर करना क्या है, आप अगर आप टैक्स और बचाना चाहते हैं तो सेक्शन 80CCD 1B के तहत आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे लगा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 1,50,000 रुपये तक की टैक्स छूट वहाँ पे आपको सेक्शन 80CCD 1 के अंडर मिलती है, 50,000 का एक्स्ट्रा और मिल जाता है। आप PPF में जमा कर सकते हैं पैसे, ELSS में जमा कर सकते हैं, रिटायरमेंट फंड्स के अंदर जमा कर सकते हैं। पर टैक्स की छूट की तरफ नज़र ही क्यों रखना है, आपको तो रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा ही करने हैं। तो रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो इक्विटी फंड्स हों, दूसरे शेयर्स हों, दूसरी चीज़ें हों, दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये आपको करनी है ताकि आपका रिटायरमेंट में पैसे इतने कम ना हो जितना कि हमने अपने उदाहरण में दिखाया। तो हमें उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस प्रस्तुति को लाइक करें, शेयर करें और जुड़ जाएं हमारे साथ सारे लीडिंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स में। हमारे रिटायरमेंट प्लेलिस्ट को फॉलो देखें और उसका लाभ उठाएं और शेयर करें दूसरों के साथ। अगली प्रस्तुति का इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।